पैसा है ना उसका बाई प्रोडक्ट होता है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। या मैंने आज बिजनेस को स्टार्ट किया और कल से मेरी पैसे छापने की मशीन शुरू हो गई, तो ऐसा नहीं होता। लाखों करोड़ों ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये 20,000 सब्सक्राइबर भी एक सपने के जैसा होगा। इसी हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ में हमेशा कोई ना कोई आप भैया, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि YouTube के ऊपर अगर हमारा 20,000 सब्सक्राइबर पूरा होता है तो इससे हमारे को कितने पैसे मिलते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल चलता है कि 1,00,000 व्यू जाने पे हमारे को कितने पैसे मिलते हैं, 1,000,000 व्यू जाने पे कितने पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सवाल यदि आपके मन में भी चल रहा है तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जानिएगा हमारे जर्नी के बारे में, हमने कब स्टार्ट किया था और कितने टाइम में हम लोग ये 20,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचे हैं। जहां तक मुझे प्रॉपर याद आ रहा है ना, 2017 या 18 के अंदर हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तब से आज तक निरंतर हम लोग मेहनत करते आ रहे हैं। कई बार कंसिस्टेंटली भी लगातार वीडियो भी बनाया है, कई बार 1-2-3-3-4 महीने तक कोई भी वीडियो नहीं आया। अगर कंसिस्टेंस हम यदि हम लोग कंसिस्टेंटली ज़्यादा काम कर पाए होते तो शायद ये जो 20,000 नंबर है ये 1,00,000 भी आज के डेट में होता। परंतु चूँकि हमारा बिजनेस है, व्यापार है, हम लोग अगरबत्ती बनाते हैं, अगरबत्ती की मटेरियल सप्लाई करते हैं, तो हमारा मोस्टली जो टाइम है वहाँ पर जाता है। जब कभी थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो ही हम लोग यूट्यूब पर टाइम देते हैं, तो इस कारण से उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाया अभी तक हमारा चैनल जितना कि होना चाहिए था, चूँकि 4-5 साल एक लंबा समय होता है। परंतु फिर भी ये हमारे लिए जो हमारा ये YouTube चैनल है, ऐसा नहीं है कि हम इससे कमा खा रहे हैं, ये तो हमारे लिए जस्ट एक साइड का चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा समय देते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, और इस थोड़े से मेहनत से ही हमारे इसके ऊपर 20,000 सब्सक्राइबर हुआ। इस पर हमने रेगुलरली जितना भी हमसे हो सका है मेहनत किया है और 20,000 सब्सक्राइबर हमने पूरा किया है। अभी आप लोगों के सवाल पे आते हैं कि भैया 20,000 सब्सक्राइबर पे पेमेंट कितना मिलता है, तो एक चीज़ समझ लीजिए कि सब्सक्राइबर होने से पेमेंट नहीं मिलता है। पेमेंट किस चीज़ से मिलता है कि आपके चैनल पे व्यूज कितना जा रहा है, कितना ज़्यादा एंगेजमेंट हो रहा है और किस कैटेगरी का चैनल है आपका, तो उस चीज़ के ऊपर पेमेंट मिलता है। तो पेमेंट कितना हमारे पास आता है, हम लोग इस चैनल से कितना अर्न करते हैं, इस चीज़ के ऊपर हम लोग कभी अलग से वीडियो बना लेंगे। बाकी आप लोगों के लिए जो सबसे ज़्यादा समझने की चीज़ है इस वीडियो के अंदर ये कि इस 4 साल के दौरान हम लोगों ने 20,000 सब्सक्राइबर के माइलस्टोन को पूरा किया है। ये आसान भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर एफर्ट नहीं डाले हैं, परंतु ये आसान चीज़ भी नहीं है, चूँकि दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये 20,000 सब्सक्राइबर भी एक सपने के जैसा होगा। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने 6 महीना साल भर तक मेहनत किया और 1,000, 1,500, 500 ऐसे सब्सक्राइबर होने के बाद उन्होंने यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया है। परंतु इसी हजारों लाखों करोड़ों की भीड़ में हमेशा कोई ना कोई, आप भी देखते होंगे आपके आसपास से भी कोई ना कोई ऐसा निकलता है जिसका सब्सक्राइबर, वॉच टाइम, सब कुछ, व्यूज वगैरह सब कुछ बढ़ता है, और बढ़ता उसी का है जिन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया है, प्लस सिर्फ इसलिए काम नहीं किया है कि मुझे इससे पैसे आएंगे। सेम चीज़ बिजनेस में भी अप्लाई होता है कि यदि आप ये सोच के बिजनेस के अंदर आओगे कि भैया मैंने आज बिजनेस को स्टार्ट किया और कल से मेरी पैसे छापने की मशीन शुरू हो गई, तो ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी काम करोगे ना तो आपको साल भर 2 साल उस काम को सीखने में, समझने में लगता है, उस काम की बारीकियों को समझने में लगता है। जब आप काम की बारीकियों को समझ जाते हो और निरंतर रूप से उस कार्य को करते रहते हो, तब जाके आपको उस कार्य में सफलता मिलती है, और वो सफलता आपको अचानक से दिखेगी भी नहीं, आप निरंतर मेहनत करते जाओगे, साइड बाई साइड जो है आपको उस काम के अंदर सफलता मिलता जाएगा। ऐसा नहीं है कि लपक लो भाई सफलता एक मुट्ठी में, मतलब एक बार हाथ बढ़ाया और आ गया, ऐसा नहीं होता है, आपको निरंतर प्रयास करने होते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का बस यही मोटिव था कि भैया अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो या कोई नौकरी का ही तैयारी करते हो, आप चाहते हो कि यार एक बार में हो जाएगा, तो नहीं होता है, आपको निरंतर उस चीज़ के ऊपर प्रयास करते रहना होता है। आपको समझना होता है कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है, मैं ऐसी क्या चीज़ है जो अभी तक नहीं सीख पाया हूँ, क्या ऐसे स्किल्स है जो कि मुझे सीखने चाहिए ताकि मैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकूँ। जब आप कोई भी काम को अच्छे तरीके से करना जान जाओगे, करने लगोगे, तो जो पैसा है ना उसका बाई प्रोडक्ट होता है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आज इस चैनल के ऊपर हमारे को जो भी अर्निंग हो रही है, वो हमने ये चैनल अर्निंग के हिसाब से शुरू ही नहीं किया था। ये चैनल हमने तो बस इसलिए शुरू किया था कि भाई हमारे को जो चीज़ आता है, अगरबत्ती कैसे बनाते हैं, ये हम लोग बनाना बस लोगों को सिखा रहे थे। अब हमारे को यहाँ पे चैनल से भी अर्निंग हो रही है, प्लस इस चैनल के सहायता से ही हमारे पास कस्टमर भी आ रहे हैं। तो हमने ये सोच के तो शुरू ही नहीं किया था कि हमारे को चैनल से पैसे मिलेंगे, लेकिन मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? चूँकि हम लोग कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं,
प्लस समय दे रहे हैं हम लोग इसके ऊपर और चीज़ों को हमेशा सीखते जा रहे हैं, टाइम टू टाइम वीडियो को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखोगे उसमें इतना ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, अभी भी आपको कई बार किसी कुछ कुछ वीडियोज में देखने को शोरगुल मिल जाती होगी, क्योंकि अभी भी हम लोग यूट्यूब के एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, सीख ही रहे हैं, दिन प्रतिदिन चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे चीज़ें अच्छी कर सकते हैं हम लोग। तो बिजनेस में सारी चीज़ें सेम अप्लाई होती है कि भैया आपको हमेशा सीखते रहना होता है, जब तक आप सीखते रहोगे आप बेहतर बनते रहोगे और जब तक आप बेहतर बनते रहोगे आपकी जो अर्निंग पोटेंशियल है वो बढ़ती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप अगरबत्ती बिजनेस करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि मशीन कैसे चलाया जाता है, तो आप लोगों के लिए एक शानदार हमारे पास उपहार है। चूँकि हमारा 20,000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है तो इसी शुभ अवसर पर हम लोगों ने आपको एक उपहार दिया है कि भैया आप हमारे यहाँ पर आके फ्री ऑफ कॉस्ट अगरबत्ती मशीन चलाना सीख सकते हो, अगरबत्ती बनाना सीख सकते हो कि कैसे अगरबत्ती बनाया जाता है, कैसे बेचा जाता है, क्या मार्केट की पोटेंशियल वगैरह है, सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ पे आके सीख सकते हो। 15 जुलाई 2024 से 25 जुलाई 2024 तक हम लोग ये प्रशिक्षण रखने वाले हैं, जो कि आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। आपको क्या करना है कि जब भी आप आना चाहते हैं 15 से 25 जुलाई के दौरान, तब का आप अपना एक टिकट मुजफ्फरपुर तक का आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज देंगे और आप अपना एड्रेस हमें व्हाट्सएप कर देंगे तो हम आपके लिए सीट बुक कर देंगे। कोई चार्ज नहीं है, एक रुपये के भी चार्ज नहीं है, हमारे यहाँ पे रहने का खाने का सारी सुविधा आपको निःशुल्क दिया जाएगा। हम आपके सेवा में तत्पर है, ज़रूरत है तो आपके एक कदम बढ़ाने की, आइए हम आपका हाथ पकड़ के अपने साथ आगे लेके चलेंगे, हम भी आगे चलेंगे, आपको भी आगे लेके चलेंगे। यदि आप घर बैठे ही जानना चाहते हो कि अगरबत्ती मशीन कैसे चलाई जाती है तो ये वीडियो देख रहे हो भैया, इस वीडियो पे आ जाओ। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ डिटेल में बताया है कि कैसे अगरबत्ती मेकिंग मशीन ऑपरेट किया जाता है।